फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, व्हाट इज मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ मास 75 केजी व्हेन ही वॉक्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक पर्सन है जिसका क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि एक पर्सन है उसका मास है 75 केजी और उसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप उनका मोमेंटम बताइए। तो मोमेंटम जो होता है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके पास मोमेंटम होता है, वैल्यू है मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंपल, मास कितना है 75 और वेलोसिटी कितनी है 2, मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा 150। यूनिट क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर है? ऐसे ही एक क्वेश्चन और है, हमने उसे कहा गया कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ अ टॉय कार ऑफ मास 200 ग्राम्स मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। 200 ग्राम का कोई खिलौना है, टॉय कार खिलौना है 200 ग्राम का, और उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो बेटा m इंटू वी, पहले तो जो 200 ग्राम है उसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, केजी में। तो 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देंगे, कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ कार वेइंग 1500 केजी। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक कार है जिसका मास है 1500 किलो और उसकी स्पीड जो थी वो 36 किलोमीटर पर आर थी इनिशियल, 36 से उसकी स्पीड चेंज होकर हो गई है 72 किलोमीटर पर आर। तो हमसे कह रहे हैं चेंज इन मोमेंटम बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? एक कार है उसकी स्पीड 36 से बढ़ाकर 72 कर दिया गया, तो ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। हमसे बोला गया कि भाई चेंज इन मोमेंटम बता दीजिए। तो सबसे पहले आप उसका इनिशियल मोमेंटम निकालो, दैट विल बी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है और वेलोसिटी कितनी है, 36 को कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट होगा, 5/18, तो इसको करेंगे 2 आएगा, तो ये कितना बन जाएगा 10, यानी कि 15,000 यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है? फिर हमसे ये कहा गया भाई चेंज निकालना है तो फाइनल भी निकालेंगे। फाइनल बेटा कितना आएगा, 1500 केजी बोलो इसका मास है और इस बार वेलोसिटी कितनी है 72, तो मल्टीप्लाइड बाई 5/18, ये 4 आएगा तो 20 बनेगा, यानी कि इस बार वैल्यू कितनी है 30,000, बोलो भाई। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बेटा, इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है 30,000 माइनस 15,000, कितना आएगा 15,000 यूनिट। यूनिट का बेटा बहुत ध्यान रखना, यूनिट नहीं लिखोगे टीचर नंबर नहीं देगा, ठीक है? तो यूनिट बहुत सही से लिखिएगा। एक और इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फॉलोइंग, कुछ केसेस दिए हैं, कह रहे हैं इनका मोमेंटम बता दो। पहला केस है एलिफेंट है जिसका मास है 2000 केजी मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। एक हाथी है जो कि 2000 किलो का है और 5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है, मोमेंटम बताओ कितना आएगा 10,000। फिर कह रहे हैं बुलेट ऑफ मास 0.02 केजी मूविंग विद 400 मीटर पर सेकेंड, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे इस बार। कुछ समझ में आ रहा है भाई, जो भी मास होगा मल्टीप्लाइड बाई जो भी वेलोसिटी होगी, आप बस मल्टीप्लाई कर देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, कर लेंगे। आगे आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस यहां पर होंगे। यस, वी हैव वन मोर क्वेश्चन।
कुछ आसान लग रहा है. देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट फोर्स विल बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 meter per second square. एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 4 meter per second square इन अ बॉल ऑफ मास 6 kg. 6 kilo का कोई बॉल है उसमें 4 meter per second square का एक्सेलरेशन अगर हम लाना चाहते हैं तो कितना फोर्स लगेगा. तो भाई F बराबर क्या होता है एम ए. तो इट विल बी 24 newton. इज इट क्लियर. ठीक अगला क्वेश्चन देखो भाई. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे व्हाट इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय. अब फिर से देखो एकदम आसान क्वेश्चन है. इस बार बेटा हमको फोर्स गिवन है 12 न्यूटन ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 3 kg और हमसे कहा जा रहा है एक्सेलरेशन बता दो. बताओ एफ बाई एम सो 12/3 सो दैट विल बी 4 meter per second square. कोई डाउट हो तो बताइए इसमें. सिंपल एकदम. अगला क्वेश्चन देखो कह रहे हैं कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार अ वेलोसिटी ऑफ 30 meter per second in 10 seconds. एक कार है जिसको हमें वेलोसिटी देनी है 30 meter per second की 10 सेकेंड में. मतलब 10 सेकेंड के अंदर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए 30 meter per second स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. तो इनिशियल स्पीड कितनी है 0. कह रहे मास ऑफ द कार इज 1500 kg. कार का जो मास है वो 1500 kilo है तो फोर्स बता दो बेटा. फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू एम ए होता है. मास है बोलो 1500 kg. एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है वी माइनस यू बाई टी. तो 1500 वी माइनस यू कितना आएगा 30 और टाइम कितना है 10. तो क्या ये 4500 न्यूटन आ जाएगा. हो गया सॉल्व. और क्वेश्चन है देखो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन अलोंग साइड कार वेज 1000 kg. कोई कार है जिसका मास है 1000 kilo और वहां पर बेटा एक ग्राफ ऐसा गिवन है क्वेश्चन में ये टाइम है और ये स्पीड है. स्पीड मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है. ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है ये ए है ये बी है ये कांस्टेंट सी था और ये डी था. यहां पर पूरे में वैल्यू है 15. बी के नीचे है 2 सी के नीचे है 5 और यहां पर है 6. मतलब पहले स्पीड बढ़ी है फिर कांस्टेंट हो गई और फिर डिक्रीज हो गई घट गई. क्वेश्चन में कह रहे हैं हमसे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 2 seconds. पहले 2 सेकंड में कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा पहले 2 सेकंड में. अब उसके लिए कैसे करेंगे भाई. ग्राफ हमको कौन सा गिवन है स्पीड टाइम ग्राफ. ग्राफ से बोलो कितनी चीजें निकल सकती हैं 2. पहला क्या होता है स्लोप और दूसरा एरिया. अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या मिलेगा. अगर मैं स्लोप निकालूंगा क्या मिलेगा. स्लोप का मतलब होता है जो वाई एक्सिस पर है डिवाइडेड बाई जो एक्स एक्सिस पर है. मतलब स्पीड अपॉन टाइम. स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन. मतलब इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन. और अगली चीज जो हम लोग यहां निकाल सकते हैं वो है इसका एरिया. एरिया मतलब जो वाई एक्सिस पर है मल्टीप्लाइड बाई जो एक्स एक्सिस पर है. मतलब स्पीड इंटू टाइम क्या देगा डिस्टेंस. तो 0 से 2 में अगर पूछा जा रहा है मतलब आपसे इस एरिया की बात हो रही है. सो डिस्टेंस इन दिस टाइम डिस्टेंस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल दैट इज हाफ. बेस बोलो 2a और हाइट कितना है 15. तो हाफ बेस इंटू हाइट यानी कितना डिस्टेंस वो चल गया 15 meter. कोई डाउट.
अगला हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड. ये तो मुझे लगता है मैंने पिछली क्लास में बताया था, है ना, ये वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन. तो कह रहे हैं कि बाद में कितना ब्रेकिंग फोर्स लगाओगे. ब्रेकिंग फोर्स मतलब रोकने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पर पहले इतने का, क्योंकि यहीं पे वेलोसिटी घट रही है, तो यहां का बोलो पहले रिटार्डेशन निकालेंगे और उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे. तो बेटा पहले रिटार्डेशन बताओ कितना आएगा भाई. फाइनल कितना है 0 माइनस इनिशियल कितना है 15 और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया और मास कितना है, तो बेटा फोर्स कितना होगा, इट विल बी नेगेटिव 15,000 न्यूटन. तो इतना रिटार्डिंग फोर्स लग जाएगा. ठीक है, मन हो माइनस मत लगाओ, रिटार्डेशन लिख दो. क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है. अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या है. कह रहे हैं ट्रक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर एक ट्रक है और रेस्ट से चल रहा है तो यू कितना है 0. रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकता हूं. इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर. 400 मीटर का डिस्टेंस चलता है इन 20 सेकेंड्स. फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. फिर कह रहे हैं फाइंड फोर्स इफ मास इज 7 मीट्रिक टन. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं. क्वेश्चन में आपसे बोला गया एक ट्रक है जिसका मास है 7 मीट्रिक टन. मीट्रिक टन मतलब 1 मीट्रिक टन में कितने केजी होते, 1000, है ना, 1000. तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर मास निकालने के लिए. उसके बाद हमसे बोला गया कि वो ट्रक रेस्ट से शुरू करता है और ढंगलते हुए जा रहा है लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से. ये बोल दिया गया था, डिस्टेंस है 400 मीटर और टाइम लगा 20 सेकंड, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं. तो मैंने पहले ही बोला था अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे. ठीक, अब आप मुझे बताओ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं जिससे ए मिल जाए. चलो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो u तो 0 है, डिस्टेंस 400 है, u 0 है, हाफ एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम कितना लगा 20. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्लियर है. और क्या पूछ रहे हैं, फोर्स. सो दैट विल बी एम इंटू ए. एम की वैल्यू कितनी थी भाई, 7000 केजी मल्टीप्लाइड बाई 2. सो इट विल बी 14,000 न्यूटन. आंसर आ गया, कर लेंगे. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फोर्स ऑफ 5 न्यूटन्स gives a mass m1 and acceleration of 8 meter per second square and mass m2 acceleration of 24 meter per second square. What acceleration would it give if both masses are tied together? क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 न्यूटन का फोर्स m1 वाले मास पर जब लगता है तब उसका एक्सेलरेशन होता है 8. ठीक, वही 5 न्यूटन जब m2 वाले पर लगता है तब उसका एक्सेलरेशन होता है 24. अभी कह रहे हैं अगर दोनों मासेस को बांध दिया जाए तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन. मतलब ये m1 वाला और ये M2 वाला, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया,
अब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हमें बताना है। नहीं, पहले दोनों का मास निकालिए। F बराबर ma होता है, बोलो भाई। F बराबर ma, तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू m इंटू 8, तो m कितना आएगा, 5/8 के जी। ऐसे ही यहां से पहले F बराबर ma निकालेंगे, तो 5 इज इक्वल टू m इंटू 24, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 5/24 के जी। इस बार दोनों को एक साथ बांध दिया गया, तो फिर से जब आप अप्लाई करोगे तो इस बार ऐसा होगा, सही है। फोर्स कितना है, 5 न्यूटन। टोटल मास कितना है, 5/8 प्लस 5/24 टाइम्स ए। ए निकालना है हम लोगों को, तो 5 इज इक्वल टू ये कितना होगा, 5 × 24/20 इज इक्वल टू ए 4, तो कितना एक्सेलरेशन आएगा भाई, 6 m/s². किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताओ भाई, क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चंस हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब अप्लाई होता है जब नेट फोर्स 0 के बराबर होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं इसके क्वेश्चंस करवा चुका हूं आपको, है ना। फिर भी चलिए इसका मैं एक आध क्वेश्चन आपको और करवा दे रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, गन वाला क्वेश्चन है, रिकॉइलिंग ऑफ गन पढ़ाया था, वहां क्वेश्चन है कह रहे हैं गन ऑफ मास 3 kg, गन का मास 3 kg है, फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 30 g, 3 kg के गन से जो बुलेट निकल रही है उसका मास कितना है, 30 g। बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू द बैरल ऑफ द गन। बैरल समझते हैं, गन का जो नली होता है उससे निकलने में उसको कितना टाइम लगा, एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 100 m/s। उस नली से इतने टाइम में निकला और वेलोसिटी उस बुलेट की कितनी थी, 100 m/s। कह रहे कैलकुलेट वेलोसिटी विद विच गन रिकॉइल्स। तो पहले तो आपको गन की रिकॉइलिंग स्पीड बतानी है, समझ में आया, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। और सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन गनमैन ड्यू टू रिकॉइल ऑफ द गन, फोर्स ऑन गनमैन। भाई रिकॉइल होगा तो झटका लगता है ना, तो वही कितना फोर्स उस गनमैन पर लग रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे होगा भाई, सबसे पहले तो आप मुझे रिकॉइल बताइए कितना होगा, कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे इसमें बताओ, देखो बिफोर फायरिंग क्या गन मोशन में था, क्या बुलेट मोशन में था,
तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? जीरो. एंड आफ्टर फायरिंग बुलेट मोशन में है, बुलेट का मास कितना था? 30 ग्राम. तो पहले 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में आ जाएगा. और बुलेट की वेलोसिटी कितनी थी? 100 मीटर पर सेकेंड. ये तो बुलेट का मोमेंटम था, ठीक. और आफ्टर फायरिंग गन भी मूव कर रहा है, गन का मास कितना है? 3 kg. और गन की अपनी वेलोसिटी कितनी है? वही हमें निकालना है, ठीक. सो जीरो इज इक्वल टू, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल. सो 3 + 3V, तो V की वैल्यू कितनी आएगी? तो रिकॉइल स्पीड कितनी आई है? 1 meter per second. माइनस मतलब लेफ्ट साइड में, अगर बुलेट आगे जा रहा है तो रिकॉइलिंग पीछे होगी, करेक्ट है. और सेकंड पार्ट में बोला गया फोर्स बता दीजिए. ये चीज नहीं समझ आई, ये आया यहां तक? अरे तो उसके बाद क्या है? इस 3 को इधर भेजो, होगा -3 = 3V. तो V की वैल्यू कितनी आएगी? -1. तो इजी है, कोई बात नहीं. सेकंड पार्ट में देखो बेटा, कह रहे फोर्स ऑन गनमैन, उस गनमैन पर कितना फोर्स लगेगा बताइए. F बराबर MA होता है. देखो अगर आपको गनमैन का फोर्स निकालना है तो आपको दो तरीके हैं. पहला यह है कि गनमैन का मास बताओ, बताओ भाई, और गनमैन का एक्सेलरेशन बताओ. दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, गनमैन का फोर्स आ जाएगा. लेकिन क्या आपको गनमैन का मास गिवन है? तो ये तो तरीका फेल हो गया, ये तो आने से रहा. अब दूसरी चीज फिर क्या यूज हो सकती है? न्यूटन का थर्ड लॉ. बुलेट मतलब आगे गई, गन पीछे आई, और गन की वजह से रिएक्शन किसको मिला? गनमैन को. तो आप गन वाला फोर्स निकालो कि गन कितने फोर्स से पीछे आ रहा है. जितने फोर्स से गन पीछे आ रहा होगा उतना ही गनमैन के ऊपर फोर्स लगेगा, बोलो भाई. तो गन का मास हो गया 3 kg, और गन का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना होगा गन का? एक्सेलरेशन मतलब v - u/t. फाइनल वेलोसिटी गन की कितनी है? -1, मतलब लेफ्ट साइड. और इनिशियल कितना था? 0. और टाइम कितना लगा? सही है. सो दैट विल बिकम -3 / 0.003. तो कितना आ जाएगा? तो माइनस का 1000 न्यूटन. माइनस क्या शो कर रहा है? लेफ्ट साइड, कि बुलेट गया आगे तो उस पर फोर्स लगा पीछे. इस तरह का क्वेश्चन है. देखो देख लेते हैं भाई इसका आंसर हम लोग. 33, 1 and 1000. इज इट क्लियर? चलिए ठीक है. तो ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से हो गया फिनिश्ड. क्लियर?